आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चेकिंग के दौरान दो गौ तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 ट्रक से 38 गौवंश पशु किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। जिले में 5 सालों में 634% अधिक हुआ इज्जत घरों शौचालयों का निर्माण। वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2016-17 तक 5 सालों में जिले में कुल 87,628 व्यक्तिगत शौचालयों के हुए थे निर्माण, जबकि 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बने 556,403 शौचालय। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल व पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बैठक हुई संपन्न। ने कहा, कूड़ा बना कंचन योजना से नगर निगम करेगा 2 से 2.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय। कान्हा उपवन के गोवंश के गोबर से बना रहे हैं कंपोस्ट खाद। आधुनिक पूर्वांचल के निर्माता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 27वीं जयंती पर उनके पुत्र उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मुख्य कोषाधिकारी की अध्यक्षता में 3 मार्च को मतदान करने की ली शपथ। मुख्य कोषाधिकारी ने कहा, कर्मचारियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। विधानसभा चुनाव में मतगणना ड्यूटी में लगे पहले चरण के कार्मिकों का प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। EVM मशीन से मतगणना की दी गई विस्तृत जानकारी। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 337। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सुपरवाइजरों की बैठक हुई संपन्न। कहा, नगर निगम को टॉप 10 में लाना है उनका लक्ष्य। प्रधानमंत्री कार्यालय से नगर निगम को मिली है विशेष प्रशंसा। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 358 केंद्रों पर 32,500 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 19,220 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 12,787 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, वैक्सीनेशन कराने के बाद 100% मतदान करने की ले सौगंध और खुद करें मतदान और अपने परिवार को भी मतदान करने को करें जागरूक। और बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य आदित्य प्रकाश वर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को पहुंचे गोरखपुर। मीडिया से हुए रूबरू। कहा, CM योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोरखपुर की जनता से मांगेंगे वोट। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने की करेंगे मांग।